नमस्कार हूँ चिराग, टीवी 9 न्यूज़ में आपनु स्वागत है। समाचार में सौथी पहला बात करीशु अविश्वास पर आरपार विषय। अविश्वास पर बोल्या छे किरण रिजिजू, भारत विरोधी काम अने नाम राख्यु इंडिया। आ प्रकारनो कटाक्ष तेमणे कर्यो छे। जूनी संसद में आ अंतिम अविश्वास प्रस्ताव टकी नहीं शके। आ प्रकारनो दावो पण तेमणे कर्यो छे। खोटा समय पर अविश्वास प्रस्ताव लाव्यु छे विपक्ष। हल्का फुल्का अविश्वास प्रस्ताव कब लिया जाता है और किस परिस्थिति में लाया जाता है? अक्सर जब देश में कुछ ऐसा राजनीतिक हालत बन जाते हैं जहाँ लगता है कि सरकार का जो संख्या है उसमें कम हो जाते हैं या सरकार के पास वो ताकत नहीं रहते हैं देश को संचालित करने के लिए और नेतृत्व कमज़ोर हो जाते हैं, कई परिस्थिति होते हैं, तब अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है। बीजी बाजू एनसीपी सांसद सुप्रिया सुडे केन्द्र सरकार पर प्रहारों सामे आव्या छे। केन्द्र सरकार पर अन्य राज्यनी सरकार पाडवानो आक्षेप पण तेमणे मूक्यो हतो। केन्द्र सरकारे 9 वर्ष में 9 राज्योनी सरकार पाड़ी दीधी। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सरकार ने पाड़ी देवाई। आ प्रकारनो पण तेमणे आक्षेप आज गृह में कर्यो छे। 9 इयर्स में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। दिस इज इट एंड व्हाट इज इट? 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी पॉलिटिक्स। उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में। आई द 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस। हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? तो केंद्र में कोईपण सरकार होय अनेक वखत प्रस्ताव आव्या छे अने अनेक वखत सरकार पण पड़ी गई है। गत वखते राफेल पर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लावी। आ वखते मणिपुर अने नू हिंसा पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाववामां आव्यो छे। जो कि विपक्ष पास नंबर ओछा है, परंतु मणिपुर पर वडाप्रधान मोदी संसद में बोले ते विषे विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर जोर अपायुं हतुं। लोकसभा में आज थी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू थी गई है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई आ प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करी हती। आ चर्चा में राहुल गांधी पण भाग लेवाना छे। संसद में 3 दिवस सुधी अविश्वास प्रस्ताव पर 18 कलाक चर्चा थशे अने 10 ऑगस्टे वडाप्रधान मोदी आ चर्चानी सामे जवाब आपशे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई मणिपुर विषे पीएमना मौन पर सवाल पूछी रहा है, तो बीजेपीना सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेसने आड़े हाथ लई रहा है। कहूं कि कांग्रेसना बेज काम छे, एक पुत्र ने सेट करवो अने जमाईने भेट धरवी। हमारी अपेक्षा थी, ये हमारी अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए? और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल जी बोलेंगे, कांग्रेस के मित्र बोलेंगे और कोई बहुत बड़ा विषय होगा जिसके आधार पर कि रूल्स का फायदा उठाते हुए। माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज बैठिए। इसके बाद राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे और कोई अपोजिशन का आदमी नहीं बोल पाएगा। मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 FIR है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं, क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे, पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। ये INDIA की बात करते हैं, मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूँ, मणिपुर का शुक्रगुजार हूँ, जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को, जिसको आपने डांटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहाँ नारा लगा। અને હવે વાત કરીશું આખી પ્રક્રિયા વિશે, અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની પ્રક્રિયા આખરે કયા પ્રકારે શરૂ થઈ છે અને શું હોય છે તેની વિગતવાર વાત કરીશું, જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું કેવી રીતે આખી પ્રક્રિયા હોય છે। અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લોકસભા ગૃહમાં કોઈ પણ સાંસદ રજૂ કરી શકે તે પ્રકારનું પ્રાવધાન છે। અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની આખી પ્રક્રિયા સમજાવીશું। પ્રસ્તાવ રજૂ થયા બાદ સ્પીકર ગૃહની અંદર તેની જાહેરાત પણ કરતા હોય છે અને ત્યાર પછી ઓછામાં ઓછા 50 સાંસદોએ પ્રસ્તાવના સમર્થનમાં परमिशन આપવાની હોય છે અને તો તે પ્રસ્તાવ પારિત થતો હોય છે। પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર થાય તો તેના પર ચર્ચા સાથે મતદાનની તારીખ પણ જાહેર કરી દેવાય છે। 8 થી 10 આ ચર્ચાનો વિષય છે, ચર્ચાના દિવસો છે। લોકસભાના સ્પીકર જાહેર કરે છે મતદાનની તારીખ। 10મી તારીખની આસપાસ નિયમ પ્રમાણે પ્રસ્તાવ સ્વીકાર થયાના 10 દિવસમાં ઉકેલ જરૂરી છે। 8 થી 10 ઓગસ્ટ સુધી આ જ રીતે આ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થવાની છે અને 10મી તારીખે PM નરેન્દ્ર મોદી જવાબ આપવાના છે। તો बात करीशू संख्याबळनी, कोनु केटलू संख्याबळ छे। मोदी सरकार लोकसभानी 543 मांथी 5 बैठकों हाल में खाली है। संख्याबळनी बात करिए, संसद में बहुमत आंकड़ो 272 नो होय छे। अत्यारे एनडीए पासे और यूपीए पासे क्या क्या संख्याबळना आंकड़ा है तेनी बात करीशू। एनडीए पासे लोकसभा गृह में 330 थी पण वधु सभ्यो हाल में मौजूद है। संख्याबळ एनडीए नु खूब सारू है, वधारे है। इंडिया की बात करिए तो सामेल दल पास लगभग 150 तो ज आंकड़ो है। एटले आ विश्वास प्रस्ताव टकी शके तेम नथी। वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, BRS 60 थी वधु सांसदों पण आमां भाग लई रह्या छे। तो कोणा केला संख्याबळनी बात करिए तो संख्याबळ अत्यारे पण एनडीए में सौथी मजबूत लगे है।